डियर स्टूडेंट्स, हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर शुरू किया है और वहां पर हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा, लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा एटसेट्रा। देखिए, ह्यूमन बीइंग में हो चाहे कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मूवमेंट बिना मसल के नहीं पॉसिबल हो सकती। सो मसल का होना एक प्री रिक्वायरमेंट है ताकि मूवमेंट की जा सके, पर्टिकुलरली टू द एनिमल किंगडम की बात करें तो। ठीक है, अब मसल के मूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि वो किस जगह के मसल हैं, उनकी मूवमेंट भी उस तरीके की ही होगी। हम मूवमेंट भी परफॉर्म करते हैं और लोकोमोशन भी परफॉर्म करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर को शुरू किया हुआ है और मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा, लोकोमोशन के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। फिर आज का जो टॉपिक है वो है मसल के बारे में। देखिए, ह्यूमन बीइंग जो है वो मूवमेंट भी परफॉर्म करता है और लोकोमोशन भी परफॉर्म करता है। चाहे हम बॉडी के कोई भी मूवमेंट करें और इवन हम लोकोमोशन करें, उसके लिए मसल की रिक्वायरमेंट प्री रिक्विजिट होती है। हमारी बॉडी के मसल जो है वो मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्राइएटेड, दूसरा होता है अनस्ट्राइएटेड और तीसरा होता है कॉर्डिक मसल। स्ट्राइएटेड मसल को हम लोग ब्लंटियर मसल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं। जैसे मैंने पेन को पकड़ा हुआ है तो मेरी इच्छा अनुसार हाथ ने से होल्ड किया हुआ है, हाथ के जितने मसल हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं मेरी इच्छा अनुसार ही। जैसे मैं बोलूँगा ये वैसा काम करेंगे, चूंकि ये मेरी विल के अनुसार चलते हैं इसे हम ब्लंटियर मसल भी कहते हैं। और इसमें स्ट्राइएशन होती है, दाढ़ियां बनी होती हैं, इसे हम स्ट्राइएटेड मसल या स्ट्रिप मसल भी कहते हैं। दूसरा होता है अनस्ट्राइएटेड मसल, ये वो वाले मसल होते हैं जो हमारे विल के अनुसार काम नहीं करते, ये इनवॉलंटरली काम करते हैं, डेट इज वाई इसे हम इनवॉलंटियर मसल भी कहते हैं। चूंकि इनमें स्ट्राइएशन नहीं होती, डेट इज वाई इनको अनस्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं। जैसे कि आपकी एलिमेंट्री नाम के पर्टिकुलरली इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी विल के अनुसार काम नहीं करते। जब आपने खाना खा लिया अप टू माउथ, फेरिनिक्स तो आपके हाथ में था, कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इसके बाद का पोर्शन जो है वो बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है कार्डिक मसल। कार्डिक मतलब हार्ट, तो जो हार्ट के मसल होते हैं वो वाले। आज इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वो है स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है, तो कार्डिक मसल या अनस्ट्राइएटेड मसल हम बाद में कवर करेंगे। तो स्ट्राइएटेड मसल के अल्टरनेट नेम क्या है, इनको हम स्केलेटन मसल भी कहते हैं। क्यों स्केलेटन मसल कहते हैं? बिकॉज ये डायरेक्टली हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है उसके साथ अटैच होते हैं। अब इसलिए बात है, मेरी फिंगर्स को मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ तो फोल्ड करवाने में मसल का योगदान है एज वेल एज बोन्स, है ना। तो ये बोन्स के साथ डायरेक्टली अटैच है तभी ये बोन की फोल्डिंग करवा रहे हैं, बोन की मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक, चूंकि ये डायरेक्टली अटैच होते हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ, उनको स्केलेटन मसल भी कहा जाता है। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये हमारी इच्छा अनुसार काम करते हैं तो इनको हम लोग ब्लंटियर मसल भी कहते हैं। तो ये स्ट्राइएटेड मसल भी है, स्केलेटन मसल भी है और ब्लंटियर मसल भी है, जब ब्लंटरिंग मसल भी है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में किसी एक मसल का नाम आ जाए तो डैट मीन्स ये वही मसल है जो आपने पढ़ा हुआ है। चाहे हमने स्ट्राइएटेड पढ़ा था, इट मीन एग्जाम में स्केलेटन आता है, ये दोनों सेम चीज है, ब्लंटरी मसल आता है तो भी ये सेम चीज है। अब देखिए कि जो मसल के सेल है उसे हम कहते हैं मायोसाइट, राइट। मायो का मतलब मसल एंड साइट का मतलब सेल। या फिर जो मसल के सेल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइबर होते हैं, हम इनको मसल फाइबर भी कहते हैं। तो मसल के सेल को हम लोग मायोसाइट्स कहते हैं या फिर मसल फाइबर कहते हैं। शेप वाइज देखा जाए तो ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, राइट। तो जैसे सिलेंड्रिकल शेप है ये वाली, तो ये सिलेंड्रिकल शेप है और मल्टी न्यूक्लेटेड होते हैं, मतलब इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइएटेड मसल की क्वालिटी सबसे पहले क्या है कि ये सिलेंड्रिकल शेप है और इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। आगे इसके फीचर पढ़ेंगे, बट कुछ टर्म्स। तो टर्म्स क्या है, सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ ये जो आपका मायोसाइट है
मसल के सेल हैं उनको हम बोलते हैं सारकोलीमा। तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, देखिए ये मसल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम इसको सारकोलीमा कहते हैं, सारको मतलब मसल, ठीक है। फिर अंदर पोर्शन जो होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, बट इन केस ऑफ मसल हम इसको सारकोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म या सारकोप्लाज्म, इट मीन्स बोथ द थिंग्स आर द सेम। यहां पर बात क्लियर हुई। ये मैंने टर्म क्यों बताए, क्योंकि तो कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई ये सार्कोलिमा क्यों बोला जा रहा है, सार्कोप्लाज्म क्यों बोला जा रहा है, ये क्या है। अब आपको पता होगा कि हमारे साइटोप्लाज्म एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। इन केस ऑफ मसल हम इसे सार्कोप्लाज्मिक कहते हैं। तो स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ इसका नॉमेनक्लेचर हमने अलग कर दिया है वो है। तो मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्मा, और मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडो रेटिकुलम। तो ये था मसल के कुछ टर्म्स। चलिए मसल के स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मसल के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा, मोस्टली बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये थोड़ा टफ लगता है अगर आप फार्मूला था की बुक पढ़ेंगे या फिर इवन कोई रिफ्रेशर वगैरह पढ़ेंगे। तो बेसिक एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इलाबोरेट कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। सबसे पहले अगर मैं इस लाइन को टेम्परेरी तौर पे हटा दूं, ये जो दो लाइंस हैं, राइट, तो आप देखेंगे ये एक मसल का फाइबर है, राइट। और इस मसल फाइबर में आप ध्यान से देखिएगा कि ये एक लाइट बैंड है, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का व्हाइट कलर का दिख रहा है, और बीच में एक डार्क बैंड दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट लाइट बैंड और अल्टरनेट डार्क बैंड आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप ये लेके चल सकते हैं कि ये मसल है, तो ये पूरा एक लाइट बैंड था, उसके बाद एक डार्क बैंड आ गया, उसके बाद एक लाइट बैंड आ चुका है, और उसके बाद फिर से एक डार्क बैंड शुरू हो जाता है। क्योंकि इसमें लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, हम इसको स्ट्राइएटेड कहते हैं। अब पता चला इसे स्ट्राइएटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्राइएशन है, मतलब दायरे बनी हुई है। तो देखिए ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, दैट इज वाई इसे हम स्ट्राइएटेड मसल कहते हैं। अब हम और थोड़ा आगे ध्यान से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसके डार्क बैंड की बात करते हैं, राइट। डार्क बैंड को हम लोग ए बैंड भी कहते हैं, या फिर इसे अनआइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। तो ए का मतलब ही होता है अनआइसोट्रोपिक बैंड, वर्ड तो सेम रहा। तो डार्क बैंड को हम लोग कहेंगे अनआइसोट्रोपिक बैंड, राइट। इसी तरीके से लाइट बैंड को हम लोग कहेंगे आइसोट्रोपिक बैंड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, आइसोट्रोपिक बैंड, ये होगा आइसोट्रोपिक बैंड, या फिर आई बैंड। तो आइसोट्रोपिक बैंड एंड अनआइसोट्रोपिक बैंड, तो व्हाइट डार्क ब्लैक, व्हाइट ब्लैक मतलब डार्क एंड लाइट, डार्क एंड लाइट, इस तरीके से। जब हम ए बैंड की बात कर ही रहे हैं, तो ए बैंड को आप ध्यान से देखेंगे, और इवन अगर वीडियो में आप जूम करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ए बैंड बिल्कुल डार्क नहीं है, इसके सेंटर में एक लाइन जैसा चल रहा है। देखो मैंने ये फुली लाइन नहीं खींची हुई, आप बोलोगे इस बैंड की मैं फुली लाइन खींची हुई है, ऐसा नहीं है, ये बड़ी सारी ऐसे डार्क दिख रहा होगा, लेकिन बीच में से मैंने इरेज किया हुआ है ऐसे करके। तो ये जो बीच का पोर्शन है जिसमें ये डार्क दाहिया नहीं है, इसको हम बोलते हैं हैंसन जोन और एच जोन। तो डार्क बैंड जो है आप ऐसे लेके चल सकते हैं कि अगर ये पूरा डार्क बैंड है कंप्लीटली, तो इसके सेंटर में व्हाइट पोर्शन है, ठीक है। ये जो व्हाइट पोर्शन है इसे हम हैंसन जोन या फिर एच जोन कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी, वे डार्क तो है लेकिन पूरा डार्क नहीं है, बीच में आप एक कटिंग जैसे फेंट लाइन देखोगे जिसे एच लाइन बोला जाता है। इसी तरीके से आई बैंड की बात की जाए, तो ये पूरा आई बैंड जो है ये पूरा व्हाइट नहीं है, इसके बीच में एक ब्लैक कलर की लाइन घिरी हुई है जिसे हम जी लाइन कहते हैं। तो इधर भी मैं एक बना देता हूं ताकि पता रहे, ठीक है। तो
एक पूरा बैंड आई का ही है, ये टोटली आई बैंड है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा आई बैंड है, मैं आई लिख देता हूँ। और आई बैंड को सेंटर में से एक लाइन डिवाइड कर रही है, और इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ये जी लाइन है, या इसका दूसरा नाम है जी मेम्ब्रेन, या इसका तीसरा नाम है विशर लाइन, राइट। तो जी लाइन कहां पर होती है, आइसोट्रॉपिक बैंड। एच लाइन कहां पर होती है, या हेंसन जोन कहां पर होता है, अनआइसोट्रॉपिक। तो आप लेके चलिए कि जो ब्लैक के बीच में व्हाइट लाइन है और व्हाइट के बीच में ब्लैक लाइन है, ठीक है, याद रहेंगे ऐसे करके। तो ये ब्लैक वाला था, इसमें एच लाइन है व्हाइट वाली, और ये व्हाइट वाला था, इसमें ब्लैक लाइन है, जिसे हम जी लाइन कहते हैं, जरा जी मेम्ब्रेन कहते हैं, या रिशर लाइन कहेंगे, या फिर क्रोज मेम्ब्रेन कहेंगे, या फिर डोबियस लाइन कहेंगे। ये मैंने बड़े सारे अल्टरनेट नेम बताए हैं, सो दैट किसी भी अल्टरनेट नेम में आप कंफ्यूजन ना रखें। लेट से किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाता है कि ये विशर लाइन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जी मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रोज मेम्ब्रेन, या डूबियस मेम्ब्रेन लाइन, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई ये वाले जो है ये अल्टरनेट नेम है जी लाइन के, जो कि आई बैंड के सेंटर में प्रेजेंट होता है, राइट। तो एक चीज हमने क्या सीखी कि भाई जो ए बैंड है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हेंसन जोन है, और जो आई बैंड है उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए जी लाइन है। तो होपफुली यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, डार्क बैंड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और जो डिविजन वाली लाइन है वो एच है, और लाइट बैंड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और जो डिविजन वाली लाइन है वो जी लाइन है। यहां तक बात क्लियर, तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डार्क बैंड बना किसका है, राइट। तो डार्क बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बैंड, मतलब अनआइसोट्रोपिक बैंड। अनआइसोट्रोपिक बैंड जो होता है वो बना होता है मायोसिन प्रोटीन का, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का को बैंड दिख रहा है, जिसे हम ए बैंड कहते हैं, चाहे अनआइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, चाहे डार्क बैंड कहते हैं, इसका एक और अल्टरनेट नेम लिख ही देते हैं इसके साथ, तो इसको हम लोग डार्क बैंड भी कहते हैं, राइट। तो ये जो डार्क बैंड है, इसमें जो प्रोटीन होता है किसका, मायोसिन प्रोटीन है, और पर्टिकुलरली को किसका बना होता है, प्राइमरी मायोफिलामेंट का, जिसे हम लोग मीरोमायोसिन वन कहते हैं। ए बैंड किसका बना हुआ है, मायोसिन प्रोटीन का। मायोसिन प्रोटीन का कौन सा, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी मायोफिलामेंट, और प्राइमरी मायोफिलामेंट क्या, मीरोमायोसिन वन बोलते हैं। अब ये जो मीरोमायोसिन वन है, ये बेसिकली दो हिस्सों का प्रोटीन बना हुआ है, राइट। तो आप ये तीनों चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ इतना सा सोचना कि भाई मायोसिन प्रोटीन है, कोई प्रोटीन का नाम है मायोसिन, और वो क्या है एक्चुअली, उसका नाम प्राइमरी मायोफिलामेंट, ठीक है। मायोफिलामेंट, मायो मतलब मसल की फिलामेंट, तो पहली वाली प्राइमरी, एक प्राइमरी होती है सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद में बने, तो इसमें प्राइमरी ए बैंड में प्राइमरी फिलामेंट प्रेजेंट होती है। कौन सी फिलामेंट प्रेजेंट होती है, प्राइमरी, और वो क्या है, जिसे हम मीरोमायोसिन भी बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी फिलामेंट है, ये स्पाइरल शेप होती है, और ये दो हिस्सों की बनी होती है। पहला हिस्सा होता है हेड वाला, तो ये हेड है, और दूसरा हिस्सा होता है टेल। तो ये जो आपका प्राइमरी मायोफिलामेंट है, जिसे हम मीरोमायोसिन वन कहते हैं, इसके दो कंपोनेंट हैड वाला पोर्शन और टेल वाला पोर्शन। हेड वाले पोर्शन को मैंने ब्लू कलर से दिखाया हुआ, टेल वाले पोर्शन को ब्लैक कलर से दिखाया हुआ। ये जो हेड वाला पोर्शन है, ये बना होता हैवी नीरोमायोसिन प्रोटीन का, एच फॉर हैवी, इसका मैं यहां पर दिखा देता हूँ। एच एन एम का मतलब होता हैवी, एम का मतलब मीरो, और दूसरे एम का मतलब मायोसिन, तो हैवी नीरो मायोसिन का हेड होता है, और जो टेल होती है वो बनी है एल एम एम की, एल का मतलब लाइट और एम एम का मतलब नीरो मायोसिन। तो हेड हैवी नीरो मायोसिन का बना हुआ है, और टेल लाइट नीरो मायोसिन की बनी होती है।
बच्चे ये हेड वाला पोर्शन ही है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो कैसे होता है कि सोचिए ये एक फिलामेंट है, ये दूसरी है, इसका हेड इस फिलामेंट को खींच के अंदर की तरफ लाता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ये छोड़ देता है ये रिलैक्स पोजीशन में हो जाता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, ये लेंथ है मसल की, ये खींच के अपनी तरफ लाएगा स्लाइड करके अपने ऊपर, तो ये हो जाएगा मसल की कॉन्ट्रैक्शन और ये मसल की रिलैक्सेशन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेड का बेहद अहम रोल होता है, इस चीज को याद रखिएगा। देन आता है आपका लाइट बैंड, ठीक है, लाइट बैंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि भाई ये जो है ये आई बैंड भी है, और आई बैंड है मतलब आइसोट्रोपिक बैंड हो गए। तो लाइट बैंड के क्या क्या अल्टरनेट नेम आ जाते हैं, इसे लाइट बैंड भी कहा जाता है, आई बैंड भी कहा जाता है, या फिर आइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है। देखिए जब हमने ए बैंड की बात की, मतलब ए बैंड हो गया, चाहे आप डार्क बैंड की बात करो, ठीक है, तो जब हमने ए बैंड की बात की या डार्क बैंड की बात की तो हमने बताया कि भाई वो किस चीज का बना होता है। इसी तरीके से जब हम लाइट बैंड की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि लाइट बैंड किसका बना होता है। तो लाइट बैंड का पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है एक्टिन, दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन और तीसरा होता है ट्रोपोनिन। तो तीन टाइप के प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। तो इसमें सिर्फ क्या था, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन, इसमें है एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। यहां तक बात क्लियर होगी। अब ये एक्टिन है ये फर्दर दो हिस्सों का बना होता है, एफ एक्टिन जिसे हम फिलामेंटल एक्टिन कहते हैं, एफ फॉर फिलामेंट, राइट। तो ये क्या है, फिलामेंट एक्टिन, ये जी फॉर ग्लोबुलर एक्टिन, ये ग्लोबुलर एक्टिन है। तो क्या होता है, ये जो ग्लोबुलर एक्टिन है ये आपस में मिलके पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, और जब ये पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो ग्लोबुलर एक्टिन जो है वो एफ एक्टिन बना देते हैं। तो एफ एक्टिन और जी एक्टिन इंटर कन्वर्टेबल है, तो फिलामेंटल एक्टिन है, ठीक है, ये अपने मोनोमर को अलग कर देगी तो ग्लोबुलर एक्टिन बन जाएगा, और जो ग्लोबुलर एक्टिन है ये जब जुड़ेंगे, ग्लोबुलर एक्टिन ऐसे लगा लो कि बड़े सारे जो है वो छोटी छोटी बॉल्स हैं, ये छोटी छोटी बॉल मिलके जब एक रस्सी जैसा बना दे, एक चेन बना दे, जैसे आपके मनके की वो मोती की जो चेन होती है, तो इंडिविजुअली ये मोती अलग अलग है, तो जब ये पिरोए करते हैं तो ये फिलामेंट बना देते हैं, तो दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन फिर सिंपली जो है वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर आएगा एफ फिलामेंट के ऊपर, तो ये एफ फिलामेंट है लेट से, तो इसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन जो तीन की फॉर्म में ऐसे ऐसे ऊपर प्रेजेंट होंगे। और फिर ट्रोपोनिन आता है, तो ट्रोपोनिन क्या है कि ये जो ए बैंड है उसका जो हेड वाला पोर्शन था उसे ये कवर कर देते हैं, ताकि ये नॉर्मली किसी के साथ स्टिक ना करे, जब जरूरत होगी तभी ये मसल को कॉन्ट्रेक्शन करवाए, अदरवाइज नॉर्मल स्टेज में जो जैसे ये इसका हेड है तो नॉर्मल स्टेज में इसके ऊपर ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा ताकि ये किसी के साथ अटैच करके कॉन्ट्रेक्शन ना करे। और देखो नॉर्मल मसल रिलैक्स है, मुझे चाहिए नहीं कॉन्ट्रेक्शन, तो इसकी आदत है ये इसके साथ स्टिक कर जाएगा एटीपी की प्रेजेंस में और कैल्शियम की प्रेजेंस में, तो इसे कवर कर दिया जाता है ताकि ये इसके साथ अटैच ना हो, मसल की कॉन्ट्रेक्शन ना हो इन नॉर्मल स्टेज में, राइट। तो यहां तक आपको बात क्लियर होगी कि बच्चे लाइट बैंड और डार्क बैंड में बेसिक डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन क्या क्या था। हमने पढ़ा कि डार्क बैंड जो है जिसे हम अनआइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं या ए बैंड भी कहते हैं, वो मीरोमाइसिन वन का बना हुआ है, जिसमें हेड और टेल का पोर्शन हेड हैवी मीरोमाइसिन, टेल लाइट मीरोमाइसिन। देन हमने बात की लाइट बैंड की, तो लाइट बैंड जो है वो तीन कंपोनेंट का बना हुआ है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। फिर मैंने कहा कि भाई जो एक्टिन है ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे आपके मोती होते हैं अगर बिखरे होंगे तो वो ग्लोबुलर है, अगर वो जुड़ के चेन बना रहे हैं तो वो एफ एक्टिन है, ठीक है, ये इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रोपोमायोसिन तीन इसके ऊपर पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, उसे ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है, एंड ट्रोपोनिन जो कि हेड के पोर्शन को कवर करता है ताकि नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, है ना, कॉन्ट्रैक्शन हमेशा थोड़ी जरूरी है, रिलैक्सेशन भी तो जरूरी है। अब इन सबको
अच्छे से समझने के बाद हम बैक टू द यहाँ पर आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बोला कि एक रेल लाइन है, एटीट्यूड के बारे में हम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये जो चीजें हमने डिस्कस की ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। क्या है कि आपने ये पढ़ा कि ये जो हमारा मसल है दैट इज स्ट्राइएटेड मसल है, इसमें स्ट्राइएशन होती है, डार्क बैंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड, है ना। फिर आपने ये पढ़ा कि डार्क बैंड के बीच में एक हैंसन जोन है, एच जोन है, वो भी हमने खत्म कर दिया, रुक गए वहां पर। फिर हमने बात की लाइट बैंड, लाइट बैंड में एक डार्क लाइन घिरी हुई है जिसे ज्वेजर लाइन कहते हैं या जी लाइन कहते हैं, मैनिंग का अल्टरनेट नेम। ये जो लाइन है ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने लाइट बैंड को दो इक्वल हिस्सों में से डिवाइड किया ही किया, लेकिन दो जी लाइन के बीच के पोर्शन को, ठीक है, यहां से लेके, मैं अगर यहां पर लिखा हूं, यहां से लेके यहां तक ये जो पोर्शन है, ठीक है, मसल का वो पोर्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू जी लाइन, उसे हम लोग सार्कोमेयर कहते हैं। तो सार्कोमेयर क्या इंक्लूड कर रहा है, सार्कोमेयर इंक्लूड कर रहा है हाफ ऑफ द लाइट बैंड फ्रॉम लेफ्ट साइड, हाफ ऑफ द लाइट बैंड फ्रॉम राइट साइड, प्लस कंप्लीट डार्क बैंड जिसे हम ए बैंड कहेंगे। तो देखिए यहां पर आधा आई बैंड, क्योंकि ये जो लाइन है जिसे जी लाइन कहते हैं, यहां पर बता देता हूं जी लाइन, तो जी लाइन ने क्या किया हुआ है, आइसोट्रॉपिक बैंड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है, इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच के पोर्शन को हम लोग सार्कोमेयर कहते हैं। और इस सार्कोमेयर में क्या क्या आया, ए बैंड तो पूरा का पूरा ही लग गया, ऑब्वियसली बात है, लेकिन जो आई बैंड था उसका आधा हिस्सा इधर से आया हुआ है और आधा हिस्सा यहां से आया हुआ है, राइट। तो ये जो सार्कोमेयर है ये क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ मसल, तो मसल का ये यूनिट है जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इट इज द सार्कोमेयर दैट अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन होती है वो सार्कोमेयर में होती है। आप ये बोलोगे कि इसका इससे कोई कंसर्न नहीं है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर कुछ फाइबर होती हैं, यहाँ पर कुछ फाइबर होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो ये ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे। तो लेट्स से मैंने ये बोला कि ये एक जी लाइन है, ये एक जी लाइन है, बीच में जो है वो आपका डार्क मसल है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये फिलामेंट इधर मूव करेगी, ये फिलामेंट इधर मूव करेगी, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि अब जी लाइन आपकी इधर इधर आ चुकी है, तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। तो इट इज द सार्कोमेयर विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द मसल, जो कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। चूंकि मैंने ये बोला कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो आपके जो आई बैंड के मसल है ये ओवरलैप करते हैं टू द ए बैंड, है ना, तो इसका मतलब कि ए बैंड को ये सराउंड करते होंगे। तो कैसे सराउंड करते हैं, जो ए बैंड का एक फाइबर होती है, ये ए बैंड की फाइबर है, इट इज सराउंडेड बाय द सिक्स आई बैंड की जो फाइबर है, तो ये सिक्स आई बैंड की फाइबर होती है और वन ए बैंड की फाइबर होती है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। लेट्स से ये जो है, ये डार्क बैंड को ऐसे दिखाऊंगा, ये ब्लैक मार्कर है, तो ये है आपका ए बैंड का फाइबर, तो नॉर्मली आपका जो आई बैंड है वो कुछ इस तरीके से होगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप होता है, वो सोचिए सिक्स ब्लू कलर के मार्कर ऐसे से ऊपर इधर 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 ऐसे करके जो छह है ये इसके ऊपर ओवरलैप कर सके। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो एक को छह ने सराउंड किया हुआ है, क्योंकि मैं हाथ से सिर्फ दो ही मार्कर होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं दो को समझा रहा हूँ, तो आप ये इमेजिन कर लीजिएगा कि भाई एक इधर था, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एंड ओवरऑल सिक्स है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ऐसे करके एक दूसरे से ओवरलैप, और जब रिलैक्स करते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये जो फुली यूनिट है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैं दो फिंगर से दिखा रहा हूँ जिनको मैंने स्ट्रेट किया हुआ है, तो ये भी जी लाइन है और ये भी जी लाइन है, तो इन जी लाइन को के बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर। तो डेट वॉज ऑल अबाउट स्ट्राइएटेड मसल, होपफुली आप इसे अच्छे से समझेंगे, फिर से पढ़ेंगे
और काफी बार नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक वन गो में अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टफ है, इसलिए आराम से समझिएगा और पॉइंट वाइज पॉइंट इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चे याद रखना, स्ट्राइएटेड मसल के अल्टरनेट नेम क्या है, क्यों इसको स्ट्राइएटेड मसल बोला जाता है, क्यों इनको स्केलेटन मसल बोला जाता है, क्यों इनको ब्लंटिंग मसल कहा जाता है, फिर इनको सार्कोलेमा टर्म दी जाती है, सार्कोप्लाज्म टर्म दी जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, देन ए बैंड जो होते हैं वो अनआइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं, जिसे डार्क बैंड भी कहते हैं, आई बैंड आइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द आर डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड, और फिर ये ए बैंड किसका बना होता है, आई बैंड किसका बना होता है, राइट, और सार्कोमेर क्या होता है, ये जी लाइन क्या होती है, ये एच जोन क्या होता है, ये सब कुछ आज के टॉपिक में हमने कवर किया था। तो बच्चे इसे अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे आपके बोर्ड के हिसाब से हो और या फिर आपके रीड पॉइंट ऑफ व्यू से हो। थैंक यू बच्चे।